नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। आपके साथ देने आए हैं, मैं अपने दिमाग में आप बैठा लू कि ये किसी पद का राजा नहीं है, ये खानदानी राजा है। आज का पहला गणतंत्र दिन है जिस देश के सभी अच्छे लोग बैठे हैं। मैं अभी ज्यादा यहाँ पे भाषण पढ़ा नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक गंगेश्वर श्रीवास्तव के और जितने भी यूनियन मुंबई में चित्रपट सृष्टि में जितने भी यूनियन है उनके ऑडिट होने वाले, ऑडिट में जितने करोड़ का भी घोटाला किया हुआ होगा उस सब का जवाब उन यूनियन लीडर को देना पड़ने वाला है। बहुत सारे लोगों के मंत्री लोगों के दिमाग में अभी यही मुद्दा है। अभी के जो कामगार मंत्री है देवी पोल से पाटिल, उनके एजेंडे पे सबसे पहला मुद्दा है कि अलग मजदूर यूनियन का जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट रेगुलर करना है। एक महीने में एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है गृह मंत्रालय और अपने कामगार मंत्रालय से कि अब क्या होता है जनरली कि वर्कर काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन में उनका पैसा जमा होता है और वो यूनियन में जाता है, यूनियन उनके 4% कट करके वो वर्कर को देती है। इसके बाद ये होने वाला है कि जो भी पेमेंट आएगा वो वर्कर के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, वर्कर का PF निकाला जाएगा, वर्कर का इंश्योरेंस किया जाएगा और ये 4 या 5 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ फिल्म के से रिलेटेड जो भी मजदूर है वर्कर है उनके लिए एक अच्छा सा अस्पताल गोरेगांव के आसपास में बनने वाला है। इस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं हर महीने के पहला जो वीक होता है उसके सोमवार में हमारी पावर सबके साथ मीटिंग होती है हर महीने में, तो उसमें हर बार हम और एक चीज आगे डालते जा रहे हैं। तो फाइनल डिसीजन ये हुआ है पावर साहब की तरफ से कि एक अच्छा सा महामंडल इसके ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट कमेटी होगी जो ये सब चीजें क्या करेगी, अच्छे से कायदे से कानून से वर्करों के भले के लिए एक अच्छी कमेटी बिठाई जाएगी और उस कमेटी को हम हेल्प करने वाले हैं सभी लोग। इतना बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय शिवराय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये लड़ाई अब आप लोगों की नहीं है, आपकी लड़ाई है चेयरमैन साहब जुड़े उनके साथ, हम सब जुड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस के आप सबको शुभकामना देता हूँ। लगभग पिछले 1.5 साल से ये सब मसला चल रहा है, कामगार के हित के लिए लड़ने का फैसला हमारे चेयरमैन साहब राजे साहब करण जी इन्होंने लिया और ये लड़ाई आप लोगों की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और इसकी शुरुआत हमने पिछले साल ही किए हुए। हमारे संतोष श्याम शेलर जी वाइस चेयरमैन इनका आगमन यहाँ पर हुआ है, उनको विनंती आप मंच पर पढ़ाइए, लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज सुबह तक तो माहौल बहुत ठीक था, सुबह के बाद कुछ लोगों को समझाया गया, कुछ लोगों के मोबाइल पर मैसेज डाल दिए गए कि अगर आप इस प्रोग्राम में गए तो ये करेंगे वो करेंगे। सबसे यही अनुमोदन है, सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो ये आपकी जुनून का यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है ये किस विषय पे हुआ है और आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? ये एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है और ये असंगठित वर्करों की यूनियन है। ये असंगठित जो वर्कर है तो वो क्या होता है, उनके पेमेंट जो हो रहे हैं वो यूनियन के अकाउंट में जा रहे हैं और बाद में उनके हाथ में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है उसमें। तो हम सरकार के साथ बैठ के अच्छे से बातचीत चल रही है कि इसके ऊपर अच्छा सा सोल्यूशन लाया जाए, तो बहुत ही जल्द एक डेढ़ महीने के अंदर इसमें बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलने वाला है। ये करप्शन किसके तरफ हो रहा, कुछ बड़ी जानकारी देंगे आप? करप्शन जो भी यूनियन लीडर है वो वर्करों को पेमेंट दे नहीं रहे और दे रहे तो बहुत लेट दे रहे, तो उसमें प्रोडक्शन भी दोषी है और यूनियन भी दोषी है। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। एक्चुअली क्या होता है, आप किसी भी वर्कर का पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। यूनियन किसके लिए फॉर्म हुई होती पता है क्या? वर्करों के हक के लिए होती है, हक खाने के लिए नहीं होती यूनियन। आपका परिचय जाना है? हम करण सिंह नाइक बांदल है, पुणे जिले में भोर तालुका है, वहाँ का हमारा हिरडस मावळकर के संस्थान है और कृष्णाजी नाइक बांदल के हम 13वें वंशज है। इस यूनियन से हम 1-1.5 साल से जुड़े हैं। बहुत गरीब वर्कर हमारे पास आए थे कि हमें न्याय चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें न्याय चाहिए क्योंकि इतना खतरनाक करप्शन हो रहा है और 40 से 50 हज़ार के आसपास यहाँ पे वर्कर है और टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 2.5 लाख वर्कर है कि जो फेडरेशन मीन्स सबका प्रॉब्लम यही है, तो वो सॉल्व होना चाहिए। इसकी वजह से हमें वर्कर मिले थे, इसके बाद हम इसमें एंटर हुए थे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सबको भी बहुत उत्सुकता रहती है, लेकिन एक जगमगता हुई वो दुनिया है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स के लिए जो काम करते हैं हमारे बांदल जी है, सब लोग हैं, तो वर्कर्स को उनका हक कैसा मिलना चाहिए, और हक मिलना चाहिए वर्कर्स को, क्योंकि एक फिल्म बनती है तो जो वर्कर होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस सब स्टोरी राइटर हमारे सामने गाने सब आते हैं, लेकिन जो असली काम करने वाले हैं उनके लिए, उनके हक के लिए जो लोग लड़ते हैं उनके साथ हम लोग हैं। और आज 26 जनवरी को जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस है, और संविधान के लिए उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, जितने भी मजदूर है मेरे भाई बंधु है सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनके जो मजबूरी है, इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है, और वो सब इसे देख के मेरे को यूनियन में ये लोग ने सीनियर से चेयरमैन करके लिए, और इनका जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व होने का। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आज पहली बार आप मतलब फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे? इनका प्रॉब्लम ऐसा यूनियन में, ये जो यूनियन में है, ये 2 साल में हर यूनियन में इलेक्शन होता था, अभी इनका ये प्रॉब्लम, ये बोल रहे कि इलेक्शन नहीं हो रहा है 7 साल से, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर जांच बिठाना चाहिए, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा जरूर। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है अब्दुल गफ्फार पिंडारे। अच्छा, यूनियन में आप किस पद पे हैं और क्या काम करते हैं? मैं यूनियन में विजिलेंस के पद पे हूँ, विजिलेंस चेयरमैन के पद पे हूँ। और जब आप फील्ड पे जाते हो तो आपको क्या वर्करों से शिकायतें आती है और क्या आप आगे वर्करों के लिए करना चाहते हैं? वर्करों से शिकायत आती है कि ओवर टाइम जब होता है तो उनको उसका पैसा नहीं मिलता है, वो उनको मिलना चाहिए जो उनका होता है हक का, और उनका पेमेंट वेमेंट जो टाइम पे नहीं होता है, वो संजू श्रीवास्तव के यहाँ जो चेक जाते हैं तो वो फिर पैसा काट छाट के देता है, तो वो गलत बात है, होना नहीं चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और अगर ये बराबरी से नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, और प्रोडक्शन हाउस वाले से ये करेंगे कि कन्फर्म करके लेंगे कि पेमेंट वेमेंट सब टाइम पर होनी चाहिए, आप लोग कॉपरेशन रखो हमारे साथ यूनियन के साथ, और गलत लोगों को चेक वेक दो मत, पेमेंट वेमेंट मिलता नहीं है तो प्रोडक्शन में आके हमारे आदमी आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, जब उनको पैसा नहीं मिलेगा टाइम पे या काट छाट होगी तो वो नाराज़ हो गए, तो आपके काम हो गए नहीं। ये चीज़ का आप ध्यान रखते हुए ये चीज़ के ऊपर फॉलो करो, बस यही बोलना है आपको। ये हमारे यूनियन के तरफ से विनंती है, जो भी है जो हक से काम करो तो आपके साथ काम करने हमको मज़ा आएगा, और हम लोग आप चाहेंगे वैसा काम करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम होंगी वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोऑपरेशन आपको यूनियन के साथ करना पड़ेगा हर एक चीज़ में, और ये सब चीज़ों के ऊपर हमारी यूनियन एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है, जो लोग गलत सलत काम कर रहे हैं ये वक्त आने पर हम आप लोग को बता देंगे। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।